गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिविल स्टैट अपना नया एंटी अलाइड के लिए ऑफलाइन बैच नंबर 1 स्टार्ट कर रहा है, जो इस साल अलाइड होने की संभावना है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से कमीशन लगातार नोटिफिकेशन आउट कर रहा है और तेजी से रिजल्ट्स निकाल रहा है, जल्दी से अलाइड की इस साल नोटिफिकेशन आएगी। अलाइड वैसे जनरली 2017 के बाद से या 16 के बाद से हर साल होने वाला एक एग्जामिनेशन था। 2020 में आखिरी बार जिसमें हमारी ही एक स्टूडेंट यामिनी ठाकुर ने रैंक 1 हासिल किया था, वो लास्ट अलाइड हुआ था 2020 में। कोरोना की वजह से 2 साल अलाइड नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा था कि लास्ट 2022 में पेपर होगा, पोस्टपोन्ड होते रहा और इस साल काफी ब्राइट पॉसिबिलिटी है क्योंकि काफी हद तक फाइल आगे जा चुकी है और जल्दी ही 1-1.5 महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अगर 1-1.5 महीने के बाद नोटिफिकेशन आई तो इस साल के एंड तक पेपर भी एक्सपेक्टेड है। एंड भी कौन सा, अक्टूबर नवंबर के सीजन में, कि दिसंबर से पहले प्रीलिम्स का पेपर करवा लिया जाएगा। तो अभी एक एप्रोप्रिएट टाइम है कि अगर हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करें तो टाइमली हम प्रिपरेशन को वाइंड अप करेंगे। अलाइड की ब्यूटी क्या है कि ज्यादा वैकेंसीज आती हैं इसके अंदर, पेपर एचएस के कंपैरेटिवली इजी होता है इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस एंड डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन, दोनों ही कम है। सिलेबस भी कम है एचएस के कंपैरेटिवली और डेप्थ भी नहीं है ज्यादा, तो जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। दूसरा एड ऑन फीचर है सीट्स ज्यादा रहती हैं, ज्यादा सीट्स में आपकी संभावना है पेपर को क्वालिफाई करने की भी बढ़ जाती है। तो इस तरह का ये एग्जामिनेशन है। अगर अभी इसको स्टार्ट करें तो टाइमली प्रिपरेशन को आप क्लोज भी कर पाएंगे और आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे और मेंस को भी क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी के लिए हमने एक नया बैच 13 मई से स्टार्ट किया है। हमारे बैचेस का तरीका रहता है, पहले उसमें इंडक्शन क्लासेस होती है जिसमें हम डिटेल्ड में इन डेप्थ स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे पेपर, केवल पढ़ने से पेपर नहीं क्वालिफाई होता, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, स्ट्रेटेजी और क्लियर कट प्लान ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड है ताकि आप पेपर को बहुत कम समय में मैनेज करके अच्छे से निकाल पाए। तो इसके लिए हम लोग इंडक्शन क्लासेस रखते हैं, तो 13th को ये बैच स्टार्ट होगा जिसमें इंडक्शन क्लासेस रहेंगी, शनिवार का दिन है। उसके बाद मंडे ऑनवर्ड ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच की ब्यूटी क्या है, ये ऑफलाइन भी है जो हमारे सेंटर चंडीगढ़ में चलेगा और आप इसको लाइव ऑनलाइन भी देख सकते हैं अपने घर में बैठे। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मैं ऑफलाइन को फेवर करता हूं क्योंकि ऑफलाइन में लर्निंग ज्यादा है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग बनती है जिससे आपके लिए एड ऑन मोटिवेशन भी रहती है और हमेशा एक सटीक दिशा में आप तैयारी करते रहते हैं, तो इसलिए ऑफलाइन हमारी नजर में ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं आ सकता, कई सारी मजबूरियां रहती है, तो वो ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकता है, लाइव इन क्लासेस को देख सकता है। इसलिए ये 13 से बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में केवल अलाइड ही नहीं पढ़ाया जाएगा, अलाइड से भी एक लेवल ऊपर पेपर होता है नायब तहसीलदार का, उसको भी पढ़ाया जाएगा। और नायब तहसीलदार में इंटरव्यू स्टेज होती है। इस बार जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने नायब तहसीलदार के मेंस को क्वालिफाई किया और इंटरव्यू की कॉल आई है उन लोगों को, तो इंटरव्यू ये लोग प्रिपेयर करेंगे। अब इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन सिविल स्टैट ही इन लोगों को करवाएगा, तो आपके लिए भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस इस कोर्स के अंदर कवर की जाएगी। आप देखेंगे कोर्स एक्शन हमारा जो रहने वाला है डेली, अब आपको तरीका क्या होगा, डेली आपको 2 घंटे की क्लासेस मिलेंगी यहां पे हमारे सेंटर चंडीगढ़ में, और साथ ही साथ आपको लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाएंगी। आपके एग्जामिनेशन अलाइड के अंदर जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें जनरल स्टडीज आता है और जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें जनरल स्टडीज के साथ साथ लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश भी आती हैं, तो इनको भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपका क्या रहेगा, 4.5 महीने का कोर्स रहेगा जिसके अंदर आपको लैंग्वेजेस और जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान को पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हार्ड कॉपी में बुकलेट्स मिलेंगी। ये बुक्स बहुत ही अच्छी बनी हुई है, अपडेटेड है, करंट इसके अंदर एडेड होता है और इन डेप्थ स्टडीज इसके अंदर रहती है, डेटा बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, तो ये किताबें आपके काम को आसान बना देती हैं और आपको पेपर क्लियर करने में बहुत हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपको जनरल स्टडीज, एचपीजी के, इंग्लिश और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। एचपीजी के जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हिमाचल के किसी भी एग्जामिनेशन का, वो विशाल सर जो कि काफी पॉपुलर है हिमाचल जीके के लिए, और एचपीजी के आपको यहीं ऑफलाइन हमारे पास पढ़ाया जाएगा, साथ में नोट्स इसके शेयर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ इसमें एक वीकली टेस्ट का प्रोविजन है, जो भी 5 दिन टीचर पढ़ाता है 6ठे दिन शनिवार को उसका टेस्ट लिया जाता है ताकि रेगुलर आपकी असेसमेंट होती रहे और आपको ऑन टोज रहने की आदत हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में काफी भारी मात्रा में बच्चे कम्पीट करते हैं। अगर अलाइड के अंदर सीट इस बार जो एक्सपेक्टेड है 80-100 सीट्स आएंगी, तो आप ये समझिए कि बच्चा भी इसमें 70-80 हजार होता है, तो 70-80 हजार में से 80 बच्चा ही सिलेक्ट होना है। इसीलिए ये पेपर कॉम्पिटेटिव पेपर है, लगातार अगर असेसमेंट नहीं होती रही तो बच्चा क्या होता है, जैसे हमारी जनरली आदत क्या होती है कि हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम ढीले पड़ जाते हैं,
वो ना हो तो बेटर है, इसीलिए इस चीज को एंश्योर करने के लिए आपके क्लास टेस्ट रखे गए। उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपकी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ जैसे ही आपका पेपर क्वालिफाई होता है मेंस, आपको मॉक इंटरव्यू के सेशंस भी मिला करेंगे, राइट। तो इस तरीके से यह सारा करिकुलम है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फीस, क्योंकि फीस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ऑफलाइन की फीस हमेशा ज्यादा रहेगी, ये 38,000 इसमें फीस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फिर इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपके चाहे इसमें जीएस है, चाहे प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, चाहे बुक्स है, चाहे इंटरव्यू है, सब कुछ इसी फीस में इंक्लूडिंग है। अगर यही चीज कोई लाइव देखना चाहता है तो उसके लिए फीस कम हो जाती है और 25,000 फीस है। बुक्स आपको कोरियर फॉर्मेट में हार्ड कॉपी में 12 बुक्स का सेट है घर पे आ जाएगा, राइट। इस तरीके से 13 मई को ये बैच स्टार्ट है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हमारा ऑफिशियल नंबर भी शेयर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर शेयर है, वहां से भी इन डिटेल्स को देख सकते हैं। आपने क्या करना है इस बैच को ज्वाइन करने से पहले, अभी थोड़ा सा समय है, आप क्या कीजिए, इसमें मैंने ही ज्योग्राफी से शुरू करना है तो ज्योग्राफी को और आसान बनाने के लिए आपने एक काम करना है, आरंभ सीरीज एक हमारा इनिशिएटिव है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको इंडिया में 60,000 से ज्यादा बच्चा देखता है आज के डेट में। इस आरंभ सीरीज को जरूर आप लोगों ने देखना है। इस आरंभ सीरीज में हमने, इसी डिस्क्रिप्शन में आरंभ सीरीज के लिंक भी मिलेंगे, इसी आरंभ सीरीज के अंदर हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं बेसिक लेवल पे। तो आपने इसी आरंभ सीरीज में ज्योग्राफी देखना स्टार्ट कर देना है ताकि जब आप क्लासेस में बैठे तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो और आपका एक अच्छा फ्रेमवर्क बना हो, आपको आसानी से क्लासेस समझ आएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हायर लेवल पे पढ़ाते हैं, पेपर क्लियर करने के लिए यही लेवल रिक्वायर्ड है। तो हमें क्या चाहिए, अगर बच्चे का जितना अच्छा लेवल होगा उतना आपको आसान रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव से ये आरंभ सीरीज पढ़ाई हुई है तो इसको जरूर आपने देखने शुरू कर देना है। बाकी इस कोर्स के अंदर बहुत सारे फैकल्टीज है, जैसे हम लोग जनरल स्टडीज के लिए 6 लोग पढ़ाएंगे, फिर लैंग्वेजेस के टीचर्स हैं, HBGK के टीचर्स हैं, तो काफी सारे फैकल्टीज इसमें पढ़ाएंगे। इन सारे फैकल्टीज को कि देखने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से फैकल्टी मेंबर पढ़ाते हैं, आपके साथ ये डेमो लेक्चर शेयर किए गए हैं। इसमें सारे फैकल्टी मेंबर के लेक्चर्स रखे गए हैं, उनके नोट्स रखे गए हैं जिनको हम हैंडआउट बोलते हैं, वो सब कुछ शेयर्ड है। तो आपने इन सारे डेमो लेक्चर्स को देखना है और सारे फैकल्टी मेंबर के साथ देखना है कि आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, राइट। इस तरीके से आपने हर फैकल्टी मेंबर के जरूर लेक्चर को देखना है, उसके बाद ही इस कोर्स में आप एनरोल करेंगे। एनरोल करने के लिए नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वहां पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फीस बनी है, तब जाके आप जो है एक 13 तारीख की क्लासेस को लगा सकते हैं। जिन बच्चों को इमीडिएटली मूव नहीं करना, वो कुछ दिन कुछ हफ्ते ऑनलाइन क्लासेस देखते रहिए, उसके बाद चंडीगढ़ में मूव इन कर जाइए, राइट। तो इस तरीके से पूरा कोर्स रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इंक्वायरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ये हमारा ऑफिशियल नंबर शेयर है, आप इस पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल इंक्वायरी करना चाहें वो इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।